Hi everyone, I am Pratima. I welcome you all to this video. First, I thank all the subscribers for subscribing the channel and supporting it. Today's video is parenting styles. आप लोग सोच रहे होंगे parenting का कोई style होता है? हाँ जी, होता है. Psychologist says there are four type of parenting styles. One is authoritative, authoritarian, permissive and neglectful. हम एक उदाहरण लेते हैं. एक क्लास में चार दोस्त हैं, क ख ग घ. वो चारों मिलके एक पिकनिक का, एक घूमने का प्लान किया. तो परमिशन लेना है पेरेंट्स से. को पहले उसका पापा के पास गया. बहुत डर डर के, जानता है कि पापा नहीं छोड़ेंगे, फिर भी सोचा कि शायद छोड़ देंगे. बोला, पापा हमारे क्लास में चार बच्चे, हम लोग जा रहे हैं घूमने. थोड़ा उसका बात ख़त्म नहीं हुआ, उसका पापा चिल्लाना शुरू किए. क्यों, हम लोग मर गए क्या? हमारे साथ नहीं जाओगे? दोस्तों के साथ जाओगे? नहीं जाओगे, मैं जहाँ लेके जाऊंगा तभी जाओगे. वो डर के मारे और कुछ बोला ही नहीं. अभी खो खो गया पापा मम्मी के पास. वो जानता है उसको पापा मम्मी परमिशन दे ही देंगे. जाके, मम्मी हम लोग जा रहे हैं घूमने. मम्मी, अच्छा जा रहे हो? कहाँ? कैसे? फोटो वोटो खींच के लाना है? तो कितना पैसा चाहिए बेटा? तो ये एक तरह का पेरेंट्स है. फिर गो घर में जा गया और बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि वो जानता है वो जो भी करता है उसका पापा मम्मी कुछ देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है. कब घर आया, कब नहीं आया, कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी कोई पूछते भी नहीं है. तो वो बेफिक्र होके वो तो रेडी हो गया कि हम जाएंगे. बैग वैग सब भर लिया. मम्मी बोली, कहीं जा रहा है बेटा? हाँ जा रहा हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ. अच्छा, अभी घ जब पापा के पास गया, मम्मी के पास गया. मम्मी पापा को बोलो थोड़ा हम जा रहे हैं घूमने. तो मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हो? ना ऐसे दोस्तों के साथ. नहीं बेटा, पापा को आने दे, पापा जानेंगे, सब पूछेंगे लोगों से कहाँ जाना है, कैसे रहोगे, कोई वहाँ डर वर तो नहीं है? किसके साथ जा रहे हो? जाओगे तो ज़रूर, लेकिन उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कहाँ से कोई डर वर है कि नहीं. तो बच्चा खुश हो गया, अच्छा ठीक है मम्मी. तो ये चार टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल विल डिस्कस इन दिस वीडियो. वेलकम. पेरेंटिंग स्टाइल्स, ये एक पिक्चर है जो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल को दर्शाता है. इससे थोड़ा अंदाजा हमको हो जाएगा. पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे व्हाट शुड बी योर पेरेंटिंग स्टाइल. द फोर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स आर ऑथोरिटेरियन और डिसिप्लिनरियन, नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व टाइप, परमिसिव और इंडल्जेंट टाइप एंड ऑथोरिटेटिव. ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ये बच्चों को कठोर अनुशासन में रखते हैं. बात ना मानने पर शास्ति होता है. नियम जो बनाते हैं बच्चों को मानना पड़ता है. कम्युनिकेशन एक तरफ से होता है, सिर्फ पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे को बोलते नहीं है, बोलने दिया नहीं जाता है. रूल्स एक्सप्लेन नहीं किया जाता है क्यों मानना है, लेकिन नियम को मानना पड़ता है.
ये पोषण बहुत कम करते हैं, पोषण का मतलब सहयोग बहुत कम करते हैं शारीरिक और मानसिक बच्चों को, लेकिन बच्चों से उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ ऑथोरिटेरियन का पेरेंटिंग स्टाइल दिया हुआ है और उससे जुड़े हुए परिणाम दिया हुआ है। पहले हम अगर आएंगे, फर्स्ट इज अनरेस्पॉन्सिव, दैट मीन्स ये बच्चों को जो बोलते हैं उसको रेस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलते हैं, बच्चों को कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है। स्ट्रिक्ट रूल मानना ही है, कोई प्रश्न नहीं कर पाओगे तुमको, हम जो बोलेंगे मानना ही है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इतना नंबर लाना है तुमको, इतना दौड़ना भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ सवाल बिना करे बात मानते जाए। उससे जुड़े हुए परिणाम क्या है, जुड़े नियम परिणाम यहाँ से है। पहले लो सेल्फ एस्टीम, इसका मतलब है आत्मसम्मान ज्ञान बच्चों का कम हो जाता है। पुअर सोशल स्किल, सबसे मिलने जुलने का, सोशली इन्वॉल्व रहने का ये कौशल उनको आता ही नहीं है, क्योंकि उनको दूसरों के साथ खुले बात करने को भी नहीं मिलता है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी जैसे स्ट्रेस, तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर होता है डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी मीन्स ये यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अपराध करने का बच्चों को बाध्य करता है। कैसे, अगर अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुमको नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बच्चा छूट के चला जाता है, बच्चा कभी झूठ बोलता है क्योंकि जानता है कि सच पकड़ जाने से यानी जानने से बहुत मारेंगे, तो इसलिए वो सच बोलना नहीं चाहता है। कभी एग्जाम में बोलते हैं कि बहुत बहुत तुमको नंबर लाना है, वो नहीं कर पा रहा है, वो टेस्ट में बैठ के चोरी करने का कोशिश करता है, क्योंकि पिता माता को उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। अनइन्वॉल्व नेग्लेक्टफुल, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स ये बच्चों को बहुत ही स्वाधीनता दे देते हैं, बच्चों के रास्ते में भी नहीं आते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पूछते भी नहीं है। कभी कभी वो बच्चों के साथ कोई डिसीजन में भाग लेते हैं, लेकिन उनका रुचि नहीं होता है, वो पेरेंटशिप में, पेरेंटिंग में ही रुचि नहीं रखते हैं, उनके पास कोई अनुशासन स्टाइल नहीं है। बच्चों का शारीरिक मानसिक पोषण भी नहीं दे पाते हैं, हो सकता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उनके पास ज्ञान की कमी है, और कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत कमी बात करते हैं। ये पेरेंट्स बहुत कमी बच्चों को पोषण देते हैं, सहयोग देते हैं, तो इससे रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेशन भी उनका कम रहता है, बच्चों से कुछ उम्मीद ही नहीं करते हैं, दे ही नहीं रहे तो मांगेंगे क्या, बच्चा जो भी कर रहा है ठीक है। तो ये नेग्लेक्टफुल से पेरेंटिंग स्टाइल में क्या हो रहा है ना, ये अनरेस्पॉन्सिव है, कोल्ड है, पूछते नहीं है कि जानने का कोशिश नहीं करते हैं बच्चा क्या चाह रहा है, रूल घर में कुछ भी नहीं है, अनइन्वॉल्व है, बच्चा खाया या सोया या नहाया या कुछ देखते नहीं है, इनडिफरेंट, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। उससे जुड़े हुए परिणाम क्या होगा, बच्चा इम्पल्सिव बिहेवियर करेगा, आवेगी व्यवहार, कभी गुस्सा हो जा रहा है, कभी कुछ को बोल दे रहा है, कभी कभी ड्रग अब्यूज हो जाएगा, नशाबंदी हो जाएगा, मेंटल इलनेस आएगा, मानसिक बीमारी होगा, कभी कभी ऐसे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, और अपराध उसको मन में आएगा डेलिक्वेंसी, क्योंकि वो जानता है कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है क्या कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है जिसमें उसको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलता है। परमिसिव पेरेंटिंग,
परमिसिव और इंटेलिजेंट पेरेंट्स, ये बच्चे जो बोलते हैं वो सब सुनते हैं, सब मानते हैं। यहाँ उल्टा हो जाता है, पेरेंट्स बच्चों को मानते हैं। ये माता पिता ज्यादा दोस्त होते हैं, पेरेंट्स कम होते हैं। अनुशासन तो बिल्कुल ही नहीं है, ये स्ट्रिक्ट जैसे ऑथोरिटेरियन से ये बहुत उल्टा है। उनके पास कोई रूल ही नहीं है, बच्चे चाहे कुछ भी करे, बच्चे उसका अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करे। कम्युनिकेशन है, बात तो करता ही जा रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये उनको दिशा भी नहीं दिखा पा रहे। उससे क्या होगा ना, बच्चों से कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों को खाना पीना देते हैं, बच्चा जो मांगता है सभी दे देते हैं, और यहाँ उम्मीद भी बहुत कमी है। उससे क्या होगा, पेरेंटिंग स्टाइल उनका वार्म है, रेस्पॉन्सिव है, बच्चा जब भी जो बोल रहा है मन लगा कर सुन रहे हैं, बच्चों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेस रूल और नो रूल, घर में कोई रूल ही नहीं है, बच्चा जो चाहता है, जब उठता है, जब पढ़ता है, जब नहीं पढ़ता है, जब खेलता है। इंडल्जेंट, स्ट्रिक्ट नहीं है। लिनियंट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, बच्चा को सुनते ही रहते हैं, बच्चा खेल रहा था अच्छा ठीक है खेल लो। देन जुड़े हुए परिणाम क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर, जब जो मन हर कर रहा है, इगोसेंट्रिक, अहंकार केंद्रित हो जाता है, ये सोचता है कि हम ही बहुत बड़े हैं, हमको सब मानते हैं, पेरेंट्स मानते हैं हमको। पुअर सोशल स्किल्स, लोगों के साथ मिलजुल नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने आप को उसका थोड़ा घमंड हो जाता है, तो ठीक से दूसरों को सम्मान नहीं देता है, जो पेरेंट्स को सम्मान नहीं देता है वो दूसरों के सम्मान देगा। देन प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, दूसरों के साथ संबंध बनाने में उसको प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है परमिशिप में, ये इनका एकेडमिक करियर पढ़ाई ठीक से नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, बच्चा जब भी मन करता है पढ़ता है, जब भी मन करता है नहीं पढ़ता है, इसलिए यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स आर रीजनेबल, ये लोग उचित है, उनका नर्चरिंग पोषण सहयोग हमेशा अच्छा है, वो बच्चों से क्लियर क्या उम्मीद करते हैं बोल देते हैं, और खुद ही अनुशासित रहते हैं और बच्चों को भी अनुशासन में रखते हैं, और ये सबसे अच्छा बेनिफिशियल स्टाइल है। डिसिप्लिन रूल्स आर क्लियर, क्लियर करके बोल देते हैं ये तुमको करना है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं, और क्यों करना है वो बताते हैं, जैसे ऑथोरिटेरियन में बताते नहीं है क्यों मेरे पास सुनना है, यहाँ ये बोलते हैं कि मेरे पास इसलिए सुनना है। कम्युनिकेशन भी बच्चों के साथ करते हैं, माता पिता बच्चे आपस में बात करते हैं और बच्चों को समझते हैं, ये पोषण भी देते हैं और एक्सपेक्टेशन भी, बच्चों से उम्मीद और बच्चों का क्या लक्ष्य है वो भी पहले से बता देते हैं क्लियर करके, जे तुमको ये करना है, हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं और किस लिए करते हैं वो भी बताते हैं। तो इनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ये वार्म भी है, रेस्पॉन्ड भी करते हैं बच्चों को, सुनते हैं, क्लियर रूल है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, बच्चों को समझते हैं मेरे बच्चा इतना है तो इतना ही कर पाएगा, सपोर्टिव है, हमेशा सपोर्ट दे रहे, उससे क्या होगा, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस इनका, ये बच्चों का अच्छा है, आत्मसम्मान ज्ञान अच्छा है, हाई सेल्फ एस्टीम, सोशल स्किल भी अच्छा है, सबके साथ मिलजुल पाते हैं और ये मानसिक हेल्दी भी होते हैं। तो ऑथोरिटेरियन जो स्ट्रिक्ट बोथ होते हैं, जो फर्स्ट टाइम उसमें भी बच्चा अच्छा पढ़ता है डर के मारे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तक, स्कूल तक, उसके बाद कभी कभी देखा जाता है बच्चा कभी कभी स्ट्रेस से, एंजाइटी से
पढ़ाई भी खराब खराब कर देता है। तो इफ यू विल आस्क मी व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल आई हैव एज ए पेरेंट, इफ आई हैव टू चूज वन पेरेंटिंग स्टाइल, आई विल कंसिडर माई पेरेंटिंग गोल्स फर्स्ट। व्हाट इज माई गोल? My ultimate parenting goal is to raise a healthy, happy, and kind and responsible person who will love me and my family when he or she will grow up. And I also want to enjoy the experience of parenting. So it is very hard to imagine even that being cold and strict like authoritarian, cold and indifferent like neglectful, or warm and indulgent like permissive will achieve all of my goals. All these three cannot help me to reach my goal of parenting. So I will prefer authoritative parenting. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. Now you have to decide what type of parent you will be.